भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? व्हाई? व्हाई इज इंडिया ग्रेट? बिकॉज इन ईयर 2022 वी ब्रोक द ऑल रिकॉर्ड्स विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और पॉवर्टी इज वेरी सिग्निफिकेंट इश्यू ऑफ दिस कंट्री? यहाँ हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यू, टेररिस्ट, नेपोटिज्म, डिमोनिटाइजेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन हर भारतीय के खून में इस देश का नमक ज़रूर होता है। नल में पानी भले ही लेट आए, लेकिन चांद पर पानी हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने सबसे पहले डिटेक्ट किया था, एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च 104 सैटेलाइट। इट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व का 5वां सबसे सफल अंतरिक्ष संगठन है। भारत में खेल खेल नहीं होता, जुनून होता है, पागलपन होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। 21 दिनों में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास, मैरी कॉम विश्व कप चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं, पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, और क्रिकेट के तो इतने रिकॉर्ड्स हैं कि शायद ही कोई देश उन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाए। हमारी संस्कृति सभ्यता इतनी समृद्धिशाली है कि आज से 5000 वर्ष पहले जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पहले पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बिजनेस और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का ज्ञान दिया है। वाराणसी इस संसार का सबसे प्राचीन शहर है। गोल्डन टेंपल, जहां जाति, धर्म और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज करीब 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 11 करोड़ लोगों का इकट्ठा होना, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है, और भाषाओं के मामले में तो भारत विश्व का सबसे समृद्धिशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी पर बनाई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहां विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहां बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहां सी फॉर चाय होता है। अब जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? यहां सिनेमा मैजिक है, पागलपन है, प्यार है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और तो और इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड द 5th वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रतन नवल टाटा, द ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर एंड द टाटा ग्रुप। लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील एंड CEO ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, एडोबी, IBM एंड मैनी मोर। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन
माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप और ऑप्टिक फाइबर, ये सब उस देश की देन है जहाँ आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में नहीं। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला इकलौता देश भारत, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो देश है भारत जिसके सैनिक -53 डिग्री ठंड से लेकर 51 डिग्री गर्मी में भी अपने देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान भी गंवा देते हैं। ऐसे अखंड देश का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। अगर आपका दिल भी अपने देश के लिए धड़कता है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय के दिलों तक पहुंचनी चाहिए। वंदे मातरम।